चुनाव परिणामों में अब रुख अगर हम देवास जिले का करें तो पांचों विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज करा दी है। देवास विधानसभा जहां गायत्री राजे पवार 26,000 से अधिक मतों से विजयी हुई हैं, सोनकच्छ से अगर बात करें तो पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा 25,000 से अधिक मतों से हार गए हैं। डॉक्टर राजेश सोनकर यहां से प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के खातेगांव, जहां पूर्व मंत्री दीपक जोशी जो कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे और उन्होंने चुनाव भी लड़ा, और आशीष शर्मा जो लगातार विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के खातेगांव से, उन्होंने एक बार फिर 13,000 के आसपास जीत हासिल कर ली। हाटपिपलिया जहां से मनोज चौधरी ने कांग्रेस प्रत्याशी राजवीर सिंह बघेल को भी हरा दिया है, और मुरली भवरा ने कांग्रेस प्रत्याशी गोपाल भोसले को हरा दिया। हमारे सहयोगी हरिओम तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरिओम जी, पूरा का पूरा देवास जिला जो है वो कमलमय हो गया है। जी सर, पूरा देवास जिले की पांचों विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल कर ली पांच सीटों पर जी। इसमें देवास में गायत्री राजे पवार लगभग 25,000-26,000 वोटों से विजयी हुई है। सोनकच्छ में डॉक्टर राजेश सोनकर जी 25,000 मतों से विजय श्री हासिल की है। इसी प्रकार खातेगांव में भाजपा प्रत्याशी आशीष शर्मा ने 13,200 मतों से पूर्व मंत्री और कांग्रेस से भाजपा से कांग्रेस में आए दीपक जोशी जी को 13,000 मतों से पराजित किया है। वहीं हाटपिपलिया में मनोज चौधरी ने लगभग 5,000 मतों से कांग्रेस के राजवीर सिंह बघेल को पराजित किया है। इसी तरह बागली में भाजपा प्रत्याशी मुरली भवरा ने कांग्रेस के गोपाल भोसले को 8,000 मतों से पराजित कर पांचों सीटों पर भाजपा ने विजयश्री हासिल की है। देखिए बिल्कुल, अगर हम यहाँ तिवारी जी बात देवास जिले देवास सीट की करते हैं तो निश्चित तौर पर गायत्री राजे पवार लगातार सक्रिय, और उनका जिस तरह का काम करने का तरीका है एक परंपरागत सीट भाजपा की मानी जा सकती है। खातेगांव में भाजपा प्रत्याशी आशीष शर्मा जो है वो विधायक के तौर पर गांव-गांव घूमना, ग्रामीणों से बात करना, हमेशा संवाद अपने क्षेत्र के लोगों से बनाए रखना, ये स्थिति उनकी रही। लेकिन अगर हम सोनकच्छ सीट की बात करते हैं तो डॉक्टर राजेश सोनकर के लिए सोनकच्छ जीतना इतना आसान नहीं था, लेकिन जिस तरह जीत का अंतर है, चूंकि कल पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा एग्जिट पोल पर जिस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे थे उससे ये लग रहा था कि वो न केवल अपनी जीत के लिए आश्वस्त है बल्कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जीत के लिए आश्वस्त है। आंकड़े एकदम उलट गए हैं। अगर हम देखें तो मोदी मैजिक कहे या भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं का असर कहे, तमाम जो स्थितियां हैं उनसे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की एक लहर है और इस लहर में वो तमाम सीट्स भी जहां कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की साख दांव पर थी वो बचाना भी कठिन हो गया। इसी तरह के परिणाम देखने को मिल रहे हैं सर। बिल्कुल, इसी तरह के परिणाम देखने को मिल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत और जानकारी के लिए।